नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फिजिक्स, जो भी लोग एएलपी जो कि आरआरबी के थ्रू आया है नोटिफिकेशन, इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो एएलपी में फिजिक्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब फिजिक्स से जान जाइए, अगर प्री में 35 नंबर अगर साइंस का है या 30 नंबर, तो इसमें से लगभग लगभग 10 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के रहेंगे। 10 क्वेश्चन आराम से रहेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेंगे इजी इजी टू मॉडरेट, ठीक। 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे मॉडरेट, और 2 क्वेश्चन लगभग रहेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे, उसका हार्ड लेवल बोल सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, फिजिक्स में इतना ही बड़ा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड है वो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के रिलेटेड पढ़ने के लिए सिलेक्शन तभी होगा ना जब एग्ज़ाम के रिलेटेड पढ़ाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं कुछ भी पढ़ के सिलेक्शन मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ें एग्ज़ाम से, जैसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है, जैसे लास्ट बार जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें फिजिक्स में यूनिट से अच्छा खासा क्वेश्चन था। अच्छा खासा मतलब क्या, अलावा हर एक सेट में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मिले थे। जितने भी एग्जाम हुए सभी में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिजिक्स से मिले थे। उसके बाद तो इसी में हम यूनिट का आज कवर करते हैं। यूनिट यूनिट किसको बोलते हैं, मतलब क्या मात्रक। मात्रक क्या होता है, किसी राशि के मापन के निर्देशों का मानक, मापक के निर्देश क्या हो गया, मापन के निर्देश का मानक को हम बोलते हैं यूनिट, ठीक। यूनिट कितने, 2 प्रकार के होते हैं मोस्टली। एक तो होता है टू टाइप्स, एक हो गया फंडामेंटल यूनिट और दूसरा हो गया ड्राइव्ड, यानी कि मूल मात्रक, और दूसरा हो गया व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो होते हैं जो डायरेक्ट चले जाते हैं, जैसे मूल मात्रक में ले लिया जाए तो मूल मात्रक आपके 7 टाइप्स के हैं। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट की अगर बात करें, ये हैं 7। 7 में क्या क्या हो गया, एक तो हो गया टाइम यानी कि समय, ठीक, जिसका यूनिट क्या होता है आप सभी को पता है, सेकंड। और इसका सेकंड ही होता है सभी, एक यही यूनिट है जो कि सभी में एक ही होता है। सेकंड अगर बात करें लंबाई, लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ इसको मीटर में व्यक्त करते हैं, ये SI यूनिट है मीटर। फिर लेंथ के बाद आ जाता है आपका, लेंथ के बाद आप लीजिए तो द्रव्यमान, ये हो गया 1, 2, 3 द्रव्यमान। द्रव्यमान इसको हम, द्रव्यमान तो मास हो गया, इसको हम केजी में व्यक्त करते हैं। 4 ताप, ताप ताप को हम किस में करते हैं, केल्विन में। केल्विन इसका SI यूनिट है ताप का, ये बात का ध्यान रखिएगा, केल्विन SI यूनिट है ताप का। फिर हो गया करंट, 5 में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। एम्पियर होता है SI यूनिट, जो भी हम बात कर रहे हैं SI यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये हो गया 6, 6 में ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होता है कैंडेला, कैंडेला राइट, इसको ऐसे ही बोलते हैं कैंडेला। फिर आगे नेक्स्ट में 7वां नंबर, 7वां में क्या है आपका, पदार्थ का परिमाण यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होता है, तो मोल। ठीक, पदार्थ का परिमाण यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हो गया मोल। तो सात तो आपके हो गए फंडामेंटल, बाकी जो बने हुए हैं यूनिट जो इसी सबसे मिलकर बने हुए हैं। अब जैसे कि आप इसमें देखिए, ये तो फंडामेंटल, दूसरा क्या था, व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट क्या होता है, जो मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से जिसे व्यक्त करते हैं वो होता है ड्राइव यूनिट। अब मूल मात्रकों की सहायता से आप इसको भी व्यक्त कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो भी चीजें सब उसमें आ जाएगी। अच्छा, कुछ संपूरक, मूल मात्रक का भी संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट का अगर देखा जाए तो आप एक देख लीजिए, इसमें कौन सा, समतल कोण। तो समतल कोण का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, रेडियन। समतल कोण को हम रेडियन बोलते हैं, इसका यूनिट जो है, मात्रक क्या है, रेडियन। इसको व्यक्त करते हैं RAD से, ठीक, रेड। फिर उसके बाद की बात करें घन कोण, एक हो गया समतल कोण, एक दूसरा हो गया घन कोण। घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसका यूनिट है, तो स्टेरेडियन को हम व्यक्त करते हैं किसमें, SR। तो अब यहां से देखें कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक हो गया, और दूसरा व्युत्पन्न यूनिट यानी कि ड्राइव यूनिट हो गया। अब आगे हम अगर इसमें देखें तो जैसे अगर आपको बहुत लंबी दूरी मापना है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, और ये जो है लाइट, क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष, तो ये पूछ लेगा कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, तो आप बोलिएगा दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा यानी कि लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। लाइट जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर ले वही हो गया प्रकाश वर्ष। ठीक, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। तो वन लाइट ईयर अगर हम बात करें, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। क्या हो गया, 9.46 × 10⁻¹⁵, 15 मीटर, 10⁻¹⁰। ठीक, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें, देखिए ये प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है, एक बड़ी इकाई है, लेकिन अगर इससे भी बड़ी इकाई की बात करें, जो कि हमारे जो भी साइंस में माना गया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो वो क्या है, वो है पार्सेक। तो पार्सेक किसकी यूनिट है, पार्सेक किसका मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। ठीक, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हो गया आपका पार्सेक। और एक पार्सेक, क्वेश्चन तो ये भी आएगा, पार्सेक मतलब होता क्या है, एक पार्सेक कितना होगा, तो एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 3.26 × का लाइट ईयर कितना था, 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर। राइट, तो यहां से प्रकाश का एक पार्सेक बराबर अगर पूछ ले क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि एक पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻¹⁶। प्रकाश वर्ष में 10⁻¹⁵, इसमें 16 मल्टीप्लाई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करके देखिएगा तभी याद रहेगा चीज़ें।
अच्छा यूनिट में क्या है बल, फोर्स। फोर्स कर लिए, अगर हम बात करें यूनिट तो ऐसा यूनिट में क्या लिया जाता है, न्यूटन, न्यूटन चाचा को ले लेते हैं ऐसा यूनिट में। और यही अगर बल का सीजीएस में बात करें तो ये न्यूटन हो गया, किसमें ऐसा ही। सीजीएस में बात करें तो ये हो जाएगा डाइन। ठीक, तो एग्जाम में अक्सर ये दे देता है, चार यूनिट दे देगा, 1 2 3 4, एक दे देगा लंबाई, दूरी, केल्विन, मीटर दे देगा, केजी दे देगा, डाइन दे देगा, बोल देगा इसमें से ऑड वन बताइए जो चार में से भिन्न है। इसमें आपको डाइन अगर दे रहा था सीजीएस का है, बाकी जो भी हम लंबाई का बात करें एसआई में है, केजी का बात करें एसआई में है, और अगर यहाँ पर बात किया किसका टेम्परेचर केल्विन का, वो भी एसआई में है। डाइन किस में, सीजीएस में आ गया। अच्छा एक न्यूटन भी दे सकता है, तो न्यूटन जो कि है फोर्स यानी कि बल का एसआई यूनिट है, जबकि डाइन जो है इसका सीजीएस यूनिट है, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, तो यही में अगर बात करें एक न्यूटन, एक न्यूटन स्क्वायर कितना हो जाएगा, डाइन कितना डाइन होगा, 10 to power 5 डाइन। ओके, तो एक न्यूटन बराबर 10 to power 5 डाइन। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक, अब कार्य यानी कि वर्ग का मात्रक, वर्ग के मात्रक में अगर आप बात करेंगे तो वर्ग क्या होता है, किसी कार्य को करने की क्षमता। वर्क 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 कार्य। ठीक, तो वर्क का जो हो जाएगा जूल होता है, सिंपल, वर्ग का मात्रक जूल होता है, किसमें एसआई में। लेकिन अगर यही वर्ग का अगर सीजीएस में बोला जाए, सीजीएस में क्या मात्रक होगा, तो सीजीएस में इसका मात्रक होगा अर्ग। तो अब इसमें और इसमें अंतर, जूल और अर्ग में अंतर क्या है, तो जूल और अर्ग में अंतर यह है कि एक जूल बराबर 10 to power 5, 10 to power 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 to power 7 अर्ग, ये होता है। 1 जूल कितना होता है, 10 के पावर 7, 10 के घाते 7 अर्ग। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इसे 10 के अगर विभिन्न घातों को प्रतीक का बात करें, हम 10 के जो विभिन्न घात हैं उसका क्या मान होगा, जैसे कि आप लीजिए 10 to power 1 बने, ये 10 to power 1 मतलब क्या हो गया, ये डेका, एक डेका हो गया। 10 to power 2 तो ये हो जाएगा हेक्टो, एक हेक्टो। 10 के पावर 2 यानी कि 100 हेक्टो में ले लेंगे, 10 to power 2 यानी कि 100 ही होता है, तो ये हेक्टो हो गया। 10 to power 3, 10 to power 3 की बात करें तो ये हो गया किलो, किलोमीटर बोलते हैं ना, किलो हॉर्स पावर, 10 to power 3। 10 to power 6 मेगा, मेगाबाइट, 10 to power 6 आता है। ठीक, 10 to power 9, 10 to power 9 को बोलेंगे क्या, गीगा। 10 to power 12, 10 to power 12 क्या हो जाएगा, देखो गीगा, गीगाबाइट, टेरा, 10 to power 12 यानी कि 13 हो जाएगा। 10 के पावर 15 जो हो जाएगा ये हो जाएगा पेटा, और 10 के पावर 18 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सा। ठीक, इसको इक्सा बोलते हैं, रिक्सा नहीं, इक्सा। अब इसी में देखें क्या था, हम क्या लिए, अब यही अगर हम 10 to power -1 ले, इसको क्या बोलेंगे, 10 to power -1 तो ये हो जाएगा डेसी, 10 to power +1 था तो डेका था, 10 to power -1 डेसी, 10 to power -2, माइनस 10 to power +2 क्या था, हेक्टो, 10 to power -2 क्या हो जाएगा, सेंटी। ठीक,
सेंटीमीटर, 10^-2 मीटर सेंटीमीटर हो गया। ठीक, उसके बाद फिर 10^-3 किसमें हो जाएगा, मिलीमीटर, मिली। ठीक, 10^-6 माइक्रो, 10^-9 नैनो, 10^-12 ये हो जाएगा क्या, पिकोमीटर, पिको। 10^-15 फेमटो, फेमटो 10^+15 लिए थे बेटा, 10^-15 फेमटो, और 10^-18, 10^-18 क्या हो जाएगा, ये एटो। ठीक, इसी प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यूनिट के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो भी डायमेंशनल यूनिट है ये सब आगे देखा जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं भी कुछ अच्छे अच्छे चीज़ इसी प्रकार से डालते रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा वीडियो। लेकिन ये है कि अगर फॉलो करते चलिए तो आपका फिजिक्स के लिए जो भी चीज़ें हैं ये सब आपका कन्फर्म होता चला जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अगर सिलेक्शन लेना है तो सेलेक्टेड चीज़ पढ़ना है, नहीं तो बाकी बीएड कीजिए, पीएचडी कीजिए, इसी से कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, जिसको करने का मन है, जिसको सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्टेड चीज़ पढ़े, बस हम यही कहेंगे। थैंक यू।